चुप जरा तो मालिक है ना, कायदे में रहो, कायदे में रहो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, अभी फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाले भाई, स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि ये जो धांधली चल रहा है ना कैनल वालों का, ठीक है, ये हम आप लोगों को साफ दिखाने वाले हैं। पहले टॉपिक ये वाले की ईयर स्टैंडिंग प्रॉब्लम के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, तोरा कहीं कहीं कल जरूरी बात, रुक बैठ। जर्मन सफर का ईयर स्टैंडिंग के ऊपर टॉपिक होने वाले, देखो पूरा पैर पैर पकड़, हट सारे काट देवे। जर्मन सफर का ईयर स्टैंडिंग के ऊपर बात होने वाली है, ये देखो। ठीक है, इसके कान कैसे खड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई अपने अंकित भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैं आप लोग को ये बताऊंगा भाई कि जर्मन शेफर्ड के कान कब तक खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो बात को ध्यान से सुनना और वीडियो स्किप मत करना। सारे मेन चीज मैं आप लोग को यही बता देने वाला हूँ, क्योंकि पहली चीज आप लोग कैनल वालों से दूर रहना। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है कान को खड़े होने में। ए भैया मान लीजिए तो मारा लगाऊंगा। तो पहला चीज ये है कि अगर आपका डॉग ब्रीड ओरिजिनल है तो कान उसके प्रॉपर खड़े होंगे। और सेकेंड बात ये करते हैं कि कान उसके कब तक खड़े हो जाते हैं। तो ठीक, तो जर्मन शेफर्ड के कान बिल्कुल प्रॉपर उसके कोट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कब तक खड़े होंगे। ठीक है, तो कोट तो कई आते हैं जर्मन शेफर्ड में, सिंगल कोट, डबल कोट, लॉन्ग कोट, ऐसे। तो अगर आपका पपीस सिंगल कोट है तो सिंगल कोट पपीस के कान बिल्कुल नॉर्मली, मैं ऐसे कंफर्म 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि 2 से 2.5 महीने में, 3 महीना भी नहीं जाता है, सिंगल कोट के पपीस के कान खड़े हो जाते हैं। वही अगर डबल कोट लॉन्ग कोट देखोगे ना, उनमें थोड़े समय लगते हैं कान खड़े होने में, मतलब 3 महीना 4 महीना 5 महीना, मतलब हद से कभी कोई 6 महीना भी चला जाता है अगर कान पे ज्यादा बाल वगैरह रहेंगे तो, इसलिए तो 6 महीने भी चले जाते हैं। ठीक है, चल बैठ। तो 6 महीने भी चले जाते हैं कान खड़े होने में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डॉग कोट कौन सा है, डबल कोट, लॉन्ग कोट। ठीक है, लेकिन फिर भी एक से कंप्लेंट आती है कि अगर आपके डॉग का कान खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है, मैं पहला रीजन बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ भाई, कि या तो आपका डॉग ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। ठीक है, ये भी सबसे मेन रीजन है भाई, जर्मन शेफर्ड या तो आपका ओरिजिनल ब्रीड नहीं है तभी उसके कान खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि जर्मन शेफर्ड की यही पहचान होती है कि कान बिल्कुल प्रॉपर खड़े हो जाएंगे, कहीं पे वाइट बाल नहीं मिलेगा और इसके जो पूंछ है बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन रहेंगे, ऐसे कर्ली नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसका पूंछ कर्ली भी होता है तो आपका जर्मन शेफर्ड ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। ठीक है, कान भी खड़े होते हैं लेकिन पूंछ कर्ली रहते हैं तो वो भी ओरिजिनल ब्रीड नहीं होते हैं। तो ये जर्मन शेफर्ड की पहचान होती है कि कान उसके प्रॉपर खड़े हो जाएंगे। तो ये पहला रीजन हो गया कि आपका डॉग क्रॉस ब्रीड है, ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड नहीं है, इसलिए कान खड़ा नहीं हो रहा है। और सेकेंड रीजन है कि अगर आपका डॉग ओरिजिनल ब्रीड है, कान खड़ा नहीं हो रहा है, तब आप क्या करें। ठीक है, ये भी लोग बोलते हैं। तो उसका रीजन मैंने यूट्यूब पे खोजा बहुत। अरे देखो इसका कान, देखो कान देख रहे हो, बिल्कुल खड़ा हो जा रहा है कलुआ, कान इसके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो सेकेंड रीजन मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं कान खड़े होते हैं। तो सेकेंड रीजन ये है कि अगर आप पपीज लेकर आ रहे हो तो लोग बहुत गलती ये करते हैं कि उसके कान के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। घर में अगर बच्चे रहते हैं तो कान के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं, तो खेलते कूदते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा माइनर में देखा जाए तो ये भी इशू आता है कि आपके डॉग के कान खड़े नहीं होते हैं। तो ये नहीं है कि कान खड़ा नहीं होगा, थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा। और दूसरा रीजन देखा जाए कि दूसरा रीजन क्या है कि कान टाइम पर खड़े हो जाए, तो भाई मैं एक चीज कहूंगा, आप अपने डॉग की 2 चीज टाइम पे करो, एक इंजेक्शन और एक डिवॉर्मिंग। इसके अलावा आपको अपने डॉग को कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो देखा कि जरा अदर लोग से देखे जो कैनल वाले क्या टिप्स दे रहे हैं, तो कैनल वालों ने टिप्स दिया कि लीवर टॉनिक पिलाइए प्लस मल्टी विटामिन टैबलेट दीजिए, ये काफी हेल्पफुल रहते हैं कान को खड़े करने में, हेल्थ सही रहता है तो इसके कान प्रॉपर खड़े हो जाते हैं। तो ये सरासर बकवास है भाई, क्योंकि जो मैं मेजर को कुछ भी नहीं खिलाता हूँ, ना ही लीवर टॉनिक, ना ही मल्टी विटामिन कैप्सूल कैल्शियम, कुछ भी नहीं, और ये इसके कान प्रॉपर खड़े हैं क्योंकि ये ओरिजिनल ब्रीड है। ठीक है, इसलिए इसके कान बिल्कुल ब्रश नहीं करे, सारे मौका था मुंह तोर है ना, देख
तो ओरिजिनल ब्रीड नहीं है इसलिए, तो कैनल वालों का ड्रामा बहुत धांधली, बहुत बड़े, बहुत चरम सीमा पे है भाई। तो वो बोला कि मल्टीविटामिन कैप्सूल दो, कैल्शियम दो, ठीक है, तो आपके हेल्थ सही रहेगा, तो कान बिल्कुल प्रॉपर खड़ा रहता है। उसके कहने का रीजन बस वो दवा उसका पिलाओ तो आपके डॉग के कान खड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरासर बकवास है। अगर आपका डॉग ओरिजिनल ब्रीड रहेगा तो कान प्रॉपर खड़ा होगा, और नहीं खड़ा होता है तो पहली बार की घर में लाते हो तो बच्चों के साथ अगर खेल रहा है आपका डॉग तो उसके कान के साथ खिलवाड़ कम करो, वो खुद खड़ा हो जाएगा। डबल कोट लॉन्ग कोट रहता है तो ये उसके बाल देख रहे हो, अभी आप जूम करके देख लो इस पे बाल देख रहे हो कितने ज्यादा बाल है, तो वही डबल कोट लॉन्ग कोट रहता है तो बाल ज्यादा रहता है, इसलिए कान खड़े होने में थोड़ा समय लगता है। ये नहीं कि खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा कान, क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड की वही पहचान होती है। और दूसरी चीज की अगर आपके पास पपीज लाए हो तो आप उसको इंजेक्शन लगाकर टाइम पे करा दो, इंजेक्शन टाइम पे कराने का फायदा है, और इंजेक्शन टाइम पे कराने का फायदा ये रहे कि आपके डॉग को कोई बीमारी नहीं होगा। और दूसरा चीज डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग अगर आप अपने डिवॉर्मिंग में कुछ नहीं होता भाई, सीधे हिंदी में भोजपुरी में बताता हूँ, कीड़े की दवा पेट साफ रखता है और कुछ नहीं, इसी को लोग डिवॉर्मिंग बोलते हैं, इसलिए हम डिवॉर्मिंग आपको समझाने के लिए, तो मेरे नज़र में तो कीड़े की दवा है। तो कीड़े की दवा अगर आप इसको टाइम पे देते हैं, पपीज है तो 15-15 दिन पे लिक्विड वाला फॉर्म आता है, 3 महीने तक आप लिक्विड वाला फॉर्म दोगे तो इसके पेट के गंदगी साफ रहेंगे, पेट में कीड़े नहीं रहेंगे, तो इसका हेल्थ सही रहेगा। अगर आप डाइट प्रॉपर नेचुरल होममेड भी खाना दे रहे हो, मेरा सारे ब्लॉग जाके देख सकते हो कि होममेड डाइट प्लान क्या है, ठीक है, तो होममेड डाइट प्लान दो और इसके डिवॉर्मिंग कराते रहो। कीड़े की दवा अगर आप इसको दे रहे हो तो इसका पेट साफ रहेगा, और पेट साफ रहेगा तो जाहिर सी बात है इसको इसके ग्रोथ में कोई चीज में कमी नहीं आएगी, इसके कान बिल्कुल प्रॉपर खड़े हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आप कैनल वालों की बात सुनोगे तो भैया वही कैल्शियम देना, मल्टीविटामिन टैबलेट देना, और तब भी अगर आपके डॉग के कान खड़े नहीं होंगे तब आपको तब कैनल वाला क्या कहेगा, लास्ट में वही बात कहेगा ना कि ओरिजिनल ब्रीड है ही नहीं, ठीक है। तो ये धांधली से बचो भाई, अगर आपका डॉग ओरिजिनल ब्रीड है तो इसके कान प्रॉपर खड़े होंगे, देख रहे हो कान बिल्कुल प्रॉपर खड़े होंगे, इसको कान खड़े होने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा हूँ कि अगर आपका डॉग ओरिजिनल ब्रीड है तो कान खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर कान खड़ा नहीं हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि मतलब खड़ा हो जाता है लेकिन अगर थोड़ा लेट हो रहा है, तो भाई बच्चों से आपके घर में बच्चे हैं उसके कान के साथ खिलवाड़ करें तो ना खिलवाड़ करें, थोड़ा छोड़ दो उसको, थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसमें इतने सारे बाल रहते हैं ना, वजन रहता है, तो थोड़ा लॉन्ग कोट डबल कोट के कान खड़े होने में थोड़ा समय लगता है। और इसके डिवॉर्मिंग कीड़े की दवा देना टाइम पे दे दो कि ताकि इसका पेट साफ रहे, कोई भी खाना खाए अच्छे से पचे, अच्छे से इसके शरीर में वो लगे, ठीक है। और भी कोई भी चीज आपको देने की जरूरत नहीं है। मैंने YouTube पे देखा कैनल वालों का वीडियो, तो वो लोग यही बता रहे थे कि मल्टीविटामिन टैबलेट देते रहिए, कैल्शियम देते रहिए, ये सिरप पिलाते रहिए ताकि आपके डॉग का हेल्थ सही रहे, सारे के सारे बकवास है। तुम्हारा अंकित भाई सामने खड़ा है, मेजर को कोई भी चीज नहीं देता है, एक भी दवा नहीं देता है सिवाय इसके इंजेक्शन और इसके डिवॉर्मिंग के अलावा, कोई भी दवा मेजर नहीं खाता है। 6 महीने पे डिवॉर्मिंग का दवा खा लेगा बस, और साल भर पे इंजेक्शन जो इसके लगते हैं वो लग जाएगा, इसके अलावा कोई भी खर्चे नहीं है मेजर पे। तो भाई मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर आपके डॉग के कान खड़े नहीं हो रहे तो या तो वो ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, और ओरिजिनल ब्रीड है तो थोड़ा समय लगेगा, प्रॉपर खड़ा हो जाएगा, बस आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग कराते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आप सामने मेजर का कान देख सकते हो कितना कान खड़ा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी भाई, कमेंट करके बताना तुम्हारा अंकित भाई आप लोगों को सही सजेशन देता है या फिर नहीं देता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा कलुआ है, स्मार्ट है, गुंडा मेरे चुमा चाहिए। चलिए भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चुमा तो ठीक है कर लगे।